उत्तराखंड में जल्द ही उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसको देखते हुए राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए सरकार जल्द ही एक सेमिनार का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सेमिनार में विश्वविद्यालय के कुलपति और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके तहत ही उद्योग जगत के द्वारा उद्योगों की मांग के अनुरूप युवाओं में कौशल की मांग की जाएगी और इसी के आधार पर वे विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कौशल विकास पर बहुत जोर दिया गया है और उसे लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी दोनों ही बहुत गंभीर हैं इस प्रसंग को लेकर के कि बच्चों में कैसे कौशल विकास किया जाए, जिससे कि शिक्षा पूरी करने के बाद उनको कहीं ना कहीं रोज़गार मिले अच्छे स्थान पर, तो उद्योग के साथ जो तालमेल है उसको बनाने के लिए बहुत शीघ्र ही एक जो सेमिनार या वर्कशॉप हम लोग करने वाले हैं, जिसमें जहाँ एक और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति रहेंगे और दूसरी ओर जो उद्योग जगत के लोग हैं वे रहेंगे। और उद्योग जगत से हम ये अनुरोध करने वाले हैं कि आपकी हमारे युवाओं से क्या अपेक्षाएं हैं, आप किस प्रकार के युवक चाहते हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको देना चाहिए, तो उनके द्वारा जो हमको कुछ गाइडलाइन दी जाएंगी, कुछ हमको फीडबैक दिया जाएगा, तो उसके आधार पर जो विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन करें।